एक हमारे दोस्त ने पूछा है कि लोग मेरा बहुत अननेसेसरी फायदा उठाते हैं, तो मैं क्या करूं। कहीं ना कहीं जिस बंदे ने आपका फायदा उठाया है, उठा रहा है, उठाएगा, उसका फायदा आप उठा रहे हैं। जी, कोई भी आदमी हमारा तब तक फायदा नहीं उठा सकता जब तक कि हम उससे कुछ न कुछ ले न रहे हों। ये गिव एंड टेक चलता है। शायद आपको ये दिख नहीं रहा होगा कि आप उससे क्या ले रहे हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपको अपने बारे में। काफ़ी टाइम से मेरा कोई फ़ायदा उठा नहीं पा रहा है। अब मुझे समझ में आ गया कि लाइफ में हर चीज़ गिव एंड टेक होती है। एटलीस्ट जो रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, जान पहचान वालों के साथ जो आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, वो गिव एंड टेक होती है। मेरे कज़न हैं, काफ़ी टाइम तक वो मुझसे पैसे रुपए लेते रहते थे। बहुत वेल ऑफ नहीं है वो, तो जब भी उनको ज़रूरत पड़ती थी तो परेशानी दिखा करके प्लीज़ प्लीज़ करके मांग लिया करते थे। मैं उनको दे दिया करता था। शुरू शुरू में मैं डायरी बनाया करता था। बहुत साल पहले की बात है, ऑलमोस्ट 25 साल पहले की बात है। पॉकेट मनी थोड़ी बहुत मिलती थी, 150-200 रुपए, तो उसमें से भी 50-100 रुपए उनको दे देता था, तो मेरे पास बहुत कम बचता था। मैं उनको बोलता था मैंने हिसाब किताब रखा है, तो बोलते थे हाँ हिसाब किताब रखो, जब मेरे पास होगा मैं दूंगा। मुझसे बड़े हैं वो, काफ़ी बड़े हैं, ऑलमोस्ट 7-8 साल बड़े हैं वो। तो चलता रहा ये सिलसिला, काफ़ी साल तक चला। तो उसके बाद फिर मेरी नौकरी लग गई, फिर मेरे पास पैसा आना शुरू हो गया। तो उनकी, जब मेरे पास सैलरी बढ़ी तो उनकी डिमांड्स भी थोड़ी थोड़ी बढ़ गई। जो पहले 200-300 होती थी, वो 1,000-2,000-5,000 होना शुरू हो गई। तो शुरू में मैंने 2-3 बार तो दे दिया, लेकिन उसके बाद फिर जब मैंने सुनूंगा तब तक मेरी लाइफ में आ गई थी, तो मुझे एक नया साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट समझ में आया अपने बारे में कि मैं जिस भी बंदे को कुछ देता हूँ तो मेरे मन में कुछ एक्सपेक्टेशन है बदले में। तब मुझे समझ में आया कि है, मैं या तो किसी से प्यार एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या कोई मेरे साथ खड़ा हो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या कुछ ना कुछ तो है जो मैं उस आदमी से चाहता हूँ। और वो आदमी चाहे ठीक से ना दे सके, लेकिन वो देने की कोशिश करता है। उसको कैश और इन काइंड्स बोलते हैं, कि मैंने आपको पैसा दिया तो आप मुझे कुछ और दीजिए, मैंने आपको हेल्प किया तो आप मुझे हेल्प करिए। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल लेवल पे वो बंदा मुझे कुछ ना कुछ दे रहा था, और जिसकी मुझे आदत पड़ी हुई थी। शायद रिस्पेक्ट चाहते हो, चाहे अपनापन चाहते हो, कुछ ना कुछ हम चाहते थे। फिर धीमे धीमे जब जनोगा आई तो मेरी ये सब डिपेंडेंसी कम होना शुरू हो गई, बिकॉज मन डिस्टर्ब कम होता था। तो लोगों से प्यार मोहब्बत जो मिल जाए ठीक है, ना मिले तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा अपना लाइफ काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर ही बीत रहा था, अपने आप को एक्सप्लोर करने में। अब मैं जाकर देखता हूँ तो एक दिन पता है क्या हुआ था, उस आदमी का मुझे फ़ोन आया, कज़न का, कि यार मुझे बहुत प्रॉब्लम है और मुझे पैसे चाहिए। मैंने कहा कितने चाहिए? उन्होंने कहा 5,000 रुपीज़। तो मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बताया कि मुझे एक टैबलेट ख़रीदना है। और उसके 2 दिन पहले उनकी वाइफ ने मुझे बताया था कि वो बहुत प्रॉब्लम में है, एंड शी नीड्स सम मेडिसिंस, मेडिसिंस के लिए पैसे चाहिए थे उनको, तो उन्होंने कहीं से अरेंज किया था, हमारे घर से किसी से लेकर गए थे। मुझे शॉक्ड हो गया कि ये बंदा अपने वाइफ की प्रेगनेंसी के लिए नहीं चिंता कर रहा है, अभी भी जॉब नहीं कर रहा है वो आदमी अपने टैबलेट के लिए पैसे मांग रहा है। मैंने उसे मना कर दिया, मैंने कहा पैसे नहीं है टैबलेट के लिए मेरे पास। फिर दोबारा और फ़ोन किया मैंने, एक बार मैंने कुछ और किया, एक बार चूँकि उनके पास जॉब नहीं थी तो मैंने उनको ऑफ़र किया एक जॉब। मैंने कहा ऐसे ऐसे जॉब है जहाँ रहते थे वहीं पर, कि आपको महीने के 5,000-6,000 रुपये मैं दूंगा और आप ये काम मेरा करा दीजिए। करीब 2 साल का काम था, घर बनवाना था वहाँ पे। तो उन्होंने ठीक है मैं तुम्हें बताऊँगा फ़ोन करके, ऐसे करके टाल दिया। आज तक फ़ोन नहीं आया उनका। जब आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं तो देखिए वो सामने वाला बंदा हेल्प लेना चाहता है या आप उससे कुछ चाहते हैं। ये चक्कर उल्टा होता है। लोग हमारा तभी फायदा उठाते हैं जब हम उनका फायदा उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे। अगर आप ये देख लें कि आप उनका फायदा उठा रहे हैं और आप उस फायदे को छोड़ दीजिए, मत उठाइए फायदा। अब मुझे वो बदनाम करें, मुझे पसंद न करें, जो मुझे खाली वो ही नहीं, जितने भी लोग जो भी मुझे कुछ देना चाहते हैं, अगर मैं नहीं लेना चाहता तो मैं नहीं लूंगा। और जब मुझे लोगों से कुछ नहीं चाहिए तो लोग मेरा फायदा नहीं उठा सकते। एज सिंपल एज दैट। मैथमेटिक्स का रूल है 2+2=4, 2-2=0। ठीक ऐसे ही सिंपल रूल है। अगर आपका कोई फायदा उठा रहा है
तो आपने अपने आप को उससे जोड़ा क्यों है? अलग कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट। अगर अलग नहीं कर पा रहे हैं तो बेयर विथ इट, जो वो दे रहा है वो लीजिए चुपचाप से। ये सैडिज्म और मैसोचिज्म का रिलेशनशिप है, जहां पर उसको मारना पसंद है और आपको मार खाना पसंद है। कुछ ना कुछ तो मिल रहा है आपको, तो अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपका यूज ना करे तो जस्ट फाइंड आउट आप उसको कहां यूज कर रहे हैं। थैंक यू। सो मुझे बहुत खुशी हो रही है बता करके, हम लोगों का एक पर्सनल मीट सेशन हमारा हुआ था दिल्ली में, अभी ये सेकेंड मीटिंग हमारी होने वाली है बॉम्बे में। तो जितने भी हमारे दोस्त बॉम्बे या तो बॉम्बे के आसपास के एरियाज़ के हैं, आप व्हाट्सएप पर कनेक्ट करके अपनी जगह बुक कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। 28th of October को बॉम्बे में एक गैदरिंग है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन दैट। थैंक यू। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को सही तरीके से समझना चाहते हैं, योग को सही तरीके से समझना चाहते हैं, तो ज़नोंगा बेसिक कोर्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको आप घर बैठे कर सकते हैं, अपने स्मार्टफोन के जरिए कर सकते हैं। इसमें हम आपको वीडियोस के जरिए, बुक्स के जरिए आपके घर बैठे आपको हेल्प करेंगे इस पूरे स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए, योग को समझने के लिए। तो यू आर मोस्ट इन्वाइटेड टू जॉइन दिस। आपकी एक आदमी की बिजनेस है, एक आदमी का काम है, चाहे बहुत बड़ी कंपनी है, आपको एग्जीक्यूशन सीखना है, किस तरह से आपकी कंपनी का ग्रोथ होगा, कैसे आपका जो प्लान है लॉन्ग टर्म वो कैसे आप कर पाएंगे, अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं तो ये एग्जीक्यूशन का प्रोग्राम ज़रूर ज्वाइन करिए। ऑनलाइन कोर्स है, आपको कहीं आना जाना नहीं है, यहाँ नहीं आना है, अपने घर पर ही अपने व्हाट्सएप के जरिए, अपने स्मार्टफोन के जरिए आप इस पूरे कोर्स को सीख सकते हैं। आपको बस करना ये है, इस व्हाट्सएप पर आपको मुझे मैसेज करना है और उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है और फटाफट आपका कोर्स चालू हो जाएगा। थैंक यू।